आप में से कई लोगों ने शायद ब्लू बेबी ब्लू के बारे में सुना होगा और आप में से कई लोगों ने नहीं, लेकिन मेरी राय में ये अब तक के खेले गए सबसे डरावने खेलों में से एक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके वास्तविक होने का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है, और मेरा मतलब इस गेम को खेले गए मौतों से है, और वे सभी एक जैसे हैं, एक जैसी कहानी, एक जैसा ही उनकी मृत्यु हुई, एक जैसा ही निशान। सो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे हंटेड फैक्ट चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे ही गेम के बारे में बताऊंगा जहां रहस्यमय तरीके से लोगों की जान जा रही थी और खासकर बच्चे इसके शिकार बन रहे थे। सो बिना स्किप करे वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सो जल्दी से बढ़ते हैं स्टोरी के आगे की ओर और जानते हैं ब्लू बेबी ब्लू गेम के बारे में। बेबी ब्लू एक अजीब खेल का नाम है जिसको खेलने के लिए कुछ बच्चे अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और बेबी ब्लू खेल खेलते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको बाथरूम में जाना होता है और लाइट्स दरवाजा बंद रखना होता है, फिर आपको शीशे में देखना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है जैसे कोई बच्चा आपके हाथों में हो, और बिना रुके 13 बार बेबी ब्लू का नाम लेना होता है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप अचानक से अपनी बाहों में एक अदृश्य बच्चे का वजन महसूस करते हैं, फिर वो बच्चा थोड़ी थोड़ी समय में बड़ा होता जाता है और उसका वजन बढ़ता जाता है। आपको महसूस होगा कि वह बच्चा आपको खरोच भी रहा है। इससे पहले वह बच्चा और भारी हो आपको इस अदृश्य बच्चे को बाथरूम में बहा देना होगा और बाथरूम से बाहर भागना होगा। यदि आप इसे जल्दी से नहीं करते तो आपको शीशे में एक भयानक औरत दिखाई देगी और वह जोर से चिल्लाएगी कि मुझे मेरा बच्चा वापिस दे दो, और वह इतनी जोर से चिल्लाएगी कि शीशा टूट जाएगा। यदि अभी तक आपने उस बच्चे को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है तो वह औरत आपको मार डालेगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये कहानी ब्लडी मैरी नामक औरत की है। अगर आप ब्लडी मैरी के बारे में नहीं जानते तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। कुछ लोगों के अनुसार सबसे पहले इसके बारे में कुछ लड़कियों को पता चल गया था और उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि यह सच में हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी एक दोस्त लारा को यह करने के लिए अकेले ही बाथरूम में भेज दिया। फिर उसने बाथरूम की लाइट और दरवाजे को बंद कर दिया और लारा ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर बेबी ब्लू नाम से बोलने लगी। फिर अचानक से उसकी गोद में एक बच्चा आ गया और उसे खुजाने लगा। लारा यह सब देखकर बहुत डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। वह इस बच्चे को छोड़कर भागना चाहती है लेकिन उसे डर लगने लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। जैसे जैसे वह बच्चा भारी होने लगता है वह उस बच्चे को पकड़कर वहीं खड़ी रहती है। अचानक उसे बाथरूम के शीशे में एक भयानक औरत दिखाई देती है जिसे देखकर लारा जोर से चिल्लाने लगती है। जब लारा के दोस्तों की उसकी आवाज सुनाई देती है तो वे बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। फिर वे मदद लेने के लिए अपने एक दोस्त के घर चले जाते हैं। फिर जब उन्होंने दरवाजे को तोड़ा तो उन्होंने देखा कि लारा बाथरूम के फर्श पर मरी हुई पड़ी थी। उसकी आंखें नोची हुई थी, वे लारा के शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे क्योंकि लारा के शरीर पर कोई बड़ी सी अदृश्य चीज उसे दबा रही थी। सो दोस्तों, स्टोरी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पता चल ही गया होगा बेबी ब्लू के रिचुअल के बारे में। आपको इस कहानी में कितनी सच्चाई नजर आता है अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।